राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम में हल्की ठंडक भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तर, पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में मौसम के क्या कुछ हाल रहने वाले हैं, इस पर अधिक जानकारी लेते हुए दिल्ली संवाददाता शुभ सेठ ने भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन रॉय से बातचीत की। मौसम पर पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, अगर बात करें राजधानी दिल्ली में बदलता हुआ मौसम, आने वाले वक्त में कैसा मौसम रहने वाला है? अभी एक पश्चिम विक्षोभ नॉर्थ इंडिया को अप्रोच कर रही है। जो ट्रफ है वो 65 डिग्री ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है। ये सिस्टम्स के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बहुत ये पहली बार एक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ आ रही है जो कि आपका इफेक्ट करेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि पहाड़ों क्षेत्र में और साथ ही साथ एडजॉइनिंग प्लेन्स पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में। ये पश्चिम विक्षोभ के साथ हमारा उम्मीद है कि पहाड़ी राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्य में आज और कल भारी वर्षा होने की संभावना है, थंडरस्टॉर्म्स भी होने की संभावना है, जिसके चलते हमने आज ऑरेंज अलर्ट दे के रखे हैं। और उत्तराखंड में कल होने की संभावना है यानी कि हमारी उम्मीद है कल हम ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए दे रहे हैं। प्लेन्स का अगर बात करें तो हमारी उम्मीद है कि इस अभी का जो स्थिति है इसमें थंडरस्टॉर्म्स तो होगा ही प्लेन्स में, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म्स होने का भी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर ये पंजाब में होगी और नॉर्थ हरियाणा में हेल स्टॉर्म्स होने की संभावना है। बाकी दिल्ली और आसपास के इलाके में आज हमारा सिर्फ थंडरस्टॉर्म्स होने का ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये सभी कारणों से आज के लिए पंजाब और हरियाणा को ऑरेंज अलर्ट दिया है थंडरस्टॉर्म्स के लिए। कल से पंजाब और हरियाणा में फॉग कोबरा बढ़ेगी जिसके चलते हमारा उम्मीद है कि फॉग के कारण से ऑरेंज अलर्ट कल दिया जाएगा। मैम, अगर राजधानी दिल्ली के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो कितना रहने वाला है? अभी जो बादल है अभी इसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गई है। आज 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है सुबह। कल भी हमारा उम्मीद है कि टेम्परेचर खास बदलेगा नहीं, एक डिग्री बढ़ ही सकता है, घटेगा नहीं। और परसों से जब ये पश्चिम विक्षोभ हट जाएगा टेम्परेचर गिरेगा और 1 से 2 डिग्री गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि ऐसे भी आपको पता है हम फेब्रुअरी में आ चुके हैं, धीरे धीरे विंटर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। तो मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं करेगा मगर 1 से 2 डिग्री ड्रॉप करने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर खास ड्रॉप नहीं होगी, चेंज नहीं दिख रहा है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जारी रहेगा अगला 4 से 5 दिन। मैम, अगर मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पे किस तरह का मौसम रहेगा? मध्य भारत में धीरे धीरे अभी देखेंगे फॉग का इफेक्ट खत्म हो रहा है। अभी आज सिर्फ ग्वालियर में ही फॉग रिकॉर्ड किया गया है। हम एक दिन और डेंस फॉग मतलब विजिबिलिटी लेस देन 200 मीटर ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन और हमारी उम्मीद है मध्य प्रदेश में हमारा डेंस फॉग यानी कि 50 से ज़्यादा मगर 200 मीटर से कम विजिबिलिटी दर्ज किया जाएगा 1-2 स्टेशन में, उसके बाद से हम घटाने का बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट थॉमस सेन रॉय।